हाय गाइस, तो आज मैं बताने वाला हूँ BT-CT ब्लड टेस्ट के बारे में। BT-CT ब्लड टेस्ट क्या होता है? BT-CT ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम एक टेस्ट को रेफर करता है जो ब्लड के एक सैंपल पर किया जाता है ताकि क्लॉट या कोगुलेशन के टाइम को मेजर किया जा सके। हाउ टू परफॉर्म BT-CT टेस्ट, इसकी मेथड बता देता हूँ कितने प्रकार से करते हैं या कैसे करते हैं BT-CT टेस्ट। मेथड ऑफ BT-CT टेस्ट, ब्लीडिंग टाइम ये जो है ड्यूक और इबे मेथड से करते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 1 to 5 मिनट होती है। क्लॉटिंग टाइम ये भी दो मेथड से किया जाता है। इसकी मेथड है कैपिलरी और ली मेथड। इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 4 to 9 मिनट की। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ BT-CT, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन में या बोन मैलिग्नेंट डिसीज में ये जो है BT-CT इंक्रीज हो जाता है, बट इस कंडीशन में प्लेटलेट नॉर्मल रहता है। यह फैक्टर एड की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो चलिए पहले BT-CT किस तरीके से करते हैं उसकी मेथड बता देता हूँ। BT-CT टेस्ट कैसे करते हैं, मैंने इस वीडियो में सिर्फ ड्यूक और कैपिलरी मेथड को ही बताया है। चलिए तो चलते हैं किस तरीके से BT-CT टेस्ट करते हैं, आइए वीडियो के द्वारा बता देता हूँ। गाइस, तो आज BT-CT के बारे में जानेंगे कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर बताऊँगा। अपने यहाँ पर ड्यूक और कैपिलरी मेथड से करते हैं, तो आइए जानते हैं किस तरीके से करते हैं। रिक्वायरमेंट में हमारे पास रहेगी कैपिलरी ट्यूब, कॉटन स्वाब, फिल्टर पेपर और नीडल। स्टॉपवॉच के लिए हम मोबाइल का यूज़ करेंगे। इस BT-CT का प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले क्लॉटिंग का देख लेंगे। इसके लिए हम कैपिलरी ट्यूब लेंगे आपका। सबसे पहले हम पेशेंट के फिंगर को क्लीन करेंगे, और ईयर लूप से भी कर सकते हैं लेकिन फिंगर वाला करेंगे अभी। प्रिक करते टाइम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है इस तरीके से, नीडल से प्रिक करना है 1 to 5 mm का। वैसे एवरेज इसका रहेगा 3 mm। इस तरीके से ये कैपिलरी ट्यूब में ब्लड को फिल करेंगे। ध्यान रखें इसे केयरफुली करना है, ना कोई बबल आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये हमने फिल कर लिया है। इसमें रेशो रखना है 15 to 30 का। वैसे 30 का कामनली रहता है, तो कामनली यूज़ करेंगे 30 सेकंड का। इस तरीके से इसको ध्यान रहे फिंगर को प्रेस नहीं करना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इसका ब्लीडिंग टाइम जो है इधर मैंने कर लिया। इसको काउंट कर लेंगे और इसको फिंगर पे पोटल लगा देंगे। वैसे ब्लड बंद हो गया इस तरीके से। अब इसको काउंट करेंगे क्योंकि हमने ये फिल्टर पेपर से हमने फिंगर को स्वाइप किया था। तो यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉप दिख रहे होंगे ब्लड के, 1 2 3 4 5। इसको काउंट करेंगे 30 से, तो 230 इसका आएगा। यहाँ पे इसका क्लोटिंग टाइम चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, इसका इंतज़ार करते हैं। फिर उसके बाद इसको ब्रोक करेंगे, फिर इसमें एक फाइब्रिन थ्रेड बनेगी। ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही फाइब्रिन थ्रेड बनेगी वो पेशेंट का क्लोटिंग टाइम रहेगा। गाइस, तो अभी मैंने इसको देखा, ये अभी क्लॉट ट्यूब है, तो ये मूव कर रहा है कैपिलरी में। जैसे इसका मूव करना बंद हो जाता है उसके बाद हम इसको ब्रोक करेंगे। इसको ब्रोक करेंगे धीरे धीरे, केयरफुली करना है क्योंकि इससे इंजरी भी हो सकती है। अभी क्लॉट नहीं हुआ है, ये थोड़ा वो इंतज़ार करना पड़ेगा। इसको ब्रोक करेंगे, इसमें फाइब्रिन थ्रेड कम्प्लीटली बन गई है। तो इस तरीके से फाइब्रिन थ्रेड कम्प्लीट हो गई बन के, तो ये हमारा क्लॉटिंग टाइम कम्प्लीट हुआ पेशेंट का।
सेवन मिनट। इस तरीके से हमारा क्लोटिंग टाइम कंप्लीट हुआ। तो BTCT की वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लैब्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।